हेलो बेटा, आइए क्लास में आगे बढ़ाते हैं, है ना। हमारा ब्लेम चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ रहे थे वांट आपके नियम, वही हम आपको ये समझा देते हैं कि है क्या बात। ध्यान देखिए, बॉयल नियम या बॉयल का नियम, ठीक है। और एक होता है चार्ल्स का नियम। ये दोनों नियम हैं, ये गैसों के लिए, इनको कहते हैं गैसों के नियम या गैसीय नियम। इनको क्या कहते हैं? गैसीय नियम। क्या कहते हैं इनको? गैसीय नियम। अब इनके अलग अलग देखिए, अब इनकी फाइव की बात करें, जैसे बॉयल का नियम है, गैस की अगर बात की जाए तो गैस वो है जिस पर किसका प्रभाव होता है, दाब का भी, दाब का भी और आयतन का भी। ये हमारा दाब है, ये दाब है और ये क्या है? आयतन। ताप, दाब और आयतन के प्रभाव युक्त गैस पर अगर हम विश्लेषण करेंगे नियमों का, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हाँ आइए बॉयल की बात करते हैं कि अगर ताप की बात की जाए, ताप या दाब की बात की जाए, तो गैस के लिए किसी भी गैस का दाब होता है, किसी भी गैस का जो दाब होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है उसके किस पर, वो निर्भर करता है उसकी सांद्रता पर, वो निर्भर करता है उसकी सांद्रता पर। अब भाई गैस में तो कोई सांद्रता है नहीं, लेकिन ये जो सांद्रता होती है ये आयतन की क्या होती है, वृत्त मान पाती। तो हम सी के स्थान पर ले सकते हैं, बॉयल का नियम कहता है कि किसी गैस का दाब उसके आयतन के क्या होता है, वृत्त मान पाती होता है। मतलब अगर आयतन ज्यादा है तो उसका दाब कम होगा और अगर आयतन कम है तो उसका दाब ज्यादा होगा। बात में किसी भी गैस का दाब उसके आयतन में व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का ये कि अगर आयतन कम है तो दाब ज्यादा होगा, अगर आयतन ज्यादा है तो दाब कम होगा। अगला नियम ये है कि उस गैस का दाब उस गैस के परम दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। अगर देखिए एक बटे में लिखा हुआ है तो उसको पढ़ते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और अगर सीधे लिखा हुआ है तो उसको पढ़ते हैं समानुपाती, है ना। तो ये भी जो है ठीक है समानुपाती में। फिर अब इन दोनों नियमों को एक साथ अगर लिख दिया जाए तो टी प्रोपोर्शनल टू टी मतलब समानुपाती, वी मतलब व्युत्क्रमानुपाती, फिर क्या हो जाएगा P बराबर। अब भाई देखिए समानुपाती का साइन हटाया गया तो यहां पे एक स्थिरांक आएगा T by V, ये भी इधर बटे में इधर आ जाएगा गुणे में, P भी बराबर RT। ये गैसीय समीकरण, ये क्या है, गैसीय समीकरण है ना, P भी बराबर RT ये लिख दिया गया। अब अगर इस प्रकार से नियमों की बात करते हैं सांद्रता से अलग, तो किस प्रकार के नियम कहलाएंगे, गैसीय नियम। लेकिन अगर इन्हीं नियमों का प्रयोग हम तब विलयन के लिए कर लें, किसके लिए कर लें, हम इन्हीं विलयनों का प्रयोग तब विलयन के लिए कर लें विलयन के लिए, तो आप सांद्रता की हम लोग बात करेंगे। अब यहां पे वाष्प दाब, अभी तक गैसीय दाब था, अब क्या आ जाएगा, वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, सांद्रता के।
क्षमता जो है वो आयतन के क्या होती है, विद्युतमानुपाती होती है। तो आप इसे फिर से लिख सकते हैं इसे डेल्टा पी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वी, ये लिख दिया समीकरण एक हो गए। अब आप फिर से कंडीशन और आ सकते हैं, ये कौन सा था नियम, ये नियम देखिए अभी ये नियम बॉयल का नियम है। अगर हम विलयन की बात करेंगे तो आप लिखेंगे बॉयल वन का नियम, वन हाफ नियम, ये पहला नियम है। अगर आपको लैंग्वेज चाहिए तो आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी ऐसे ये लैंग्वेज कहते हैं कि किसी भी तर्क विलयन के बाद किसी भी तर्क विलयन का जो वास्तव होता है, वास्तव का अनुमान होता है, किसके समान किसके विद्युतमानुपाती होता है, वो उस विलयन के आयतन के विद्युतमानुपाती होता है। अब एक और नियम चार्ल्स वाट हाफ नियम, क्या हम लिखेंगे डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू टी, समीकरण दो लैंग्वेज ऑफ मॉलिक्यूलर लिख लीजिए हम लोग कि किसी भी विलयन का जो वास्तव ताप अनुमान होता है वो उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इन दोनों नियमों को आप ऐसे लिखेंगे वाट हाफ समीकरण, समीकरण को प्राप्त करना है। तो समीकरण प्राप्त करने के लिए ये जो ये पहला वाला था ये दूसरा है, दोनों को एक साथ अगर लिख दिया जाए तो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू अब टी के समानुपाती और वी के क्या है, विद्युतमानुपाती, समानुपाती ऊपर विद्युतमानुपाती नीचे, तो टी बाई वी। इसी को हम आगे अगर लिखें तो जानते हैं आप क्या होगा, प्रोपोर्शनल का साइन घटेगा तो इक्वल का साइन आएगा, इक्वल का साइन लाने के लिए हमें यहां पे एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। यहां पे हमने जो आर का प्रयोग किया था ये गैसीय घनत्व क्या बेटा, गैसीय घनत्व, लेकिन ये जो S है ये गैसीय घनत्व नहीं है, यहां पे हम S का प्रयोग करेंगे, ये गैसीय घनत्व नहीं है, ये है विलयन स्थिरांक, क्या बेटा ये विलयन स्थिरांक है ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा पी V बटे में गुणे में आ जाएगा S इनटू T। अब चूंकि अगर हम ऐसा मान लें कि विलयन में उस विलेय के n मोल है तो हम ऐसे लिखेंगे कि डेल्टा पी वी इक्वल टू n इनटू एस टी, और अगर ये मान लें कि ये जो विलयन है वो गैसीय विलयन भी हो सकता है तो गैसीय विलयन होने की स्थिति में ये s क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, तो ये समीकरण बनेगी डेल्टा पी वी इक्वल टू n r t। तो ये दोनों समीकरण कैसे समीकरण है, वन हाफ समीकरण, ये दोनों समीकरण कैसे समीकरण है, वन हाफ समीकरण। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, वन हाफ समीकरण एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए और चाहे देख के अच्छे से नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, ठीक है। बाकी आपको जो भी पढ़ाया जाएगा ये आप उस उम्मीद करके समझ में आया होगा, आप ऐसे लिख भी सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं वन का समीकरण इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि यदि लिखित तो कर लिखो यदि विलयन क्या है, विलयन तंत्र डेल्टा पी वी इक्वल टू एम एस टी, फिर दूसरी कंडीशन यदि विलयन क्या है, विलयन गैसीय है तो क्या लिखेंगे डेल्टा पी वी इक्वल टू एम आर टी, दोनों आप अच्छे समझ में, बाकी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में ना।